कहां सरकार? अरे खा लिए मायावती जी और अखिलेश जी उत्तर प्रदेश को, कुछ नहीं। ये जोगी बाबा 15 हम मर जाएंगे 15 साल के बाद हो सकता है आवे। कौन? अखिलेश भैया, इसके पहले तो 15 साल कोई चांस ही नहीं है। यादव खुश है, बाकी हज बिरादरी नाराज है। नहीं, योगी सरकार भी वही कर रही है जो मायावती जो अखिलेश यादव करके गए हैं, वही काम योगी भी जी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि अंधेरे में चले जाएं, तो ये बात आपकी झूठी है, मैं इसको सिरे से खारिज कर रहा हूँ। देश में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, कानून नाम की चीज नहीं बची हुई है। आम आवाम देश का पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहता है, योग प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। अब ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र के चीरहरण कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं लोगों की वोट का, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आने वाला 24 आने दीजिए। भाजपा आ रही है, कौन आएगा? भाजपा रही है, अच्छे काम कर रहे हैं, आएंगे। ये सही है, बिल्कुल सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजनीति और मैं हूं राजन सिंह। एक चचा है, मिले हैं इनसे, बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव जी के बारे में आप कुछ बता रहे हैं कि फिर से सरकार आएगी कि नहीं आएगी? बहुत मुश्किल है उनकी सरकार आना, 15 साल नहीं आएगी। कहे भाई, आप तो दो ही आदमी का टक्कर है, भाजपा और सपा। हाँ, अरे खा लिए मायावती जी और अखिलेश जी उत्तर प्रदेश को। हाँ, ये दोनों लोग खा लिए। यहाँ पे मेट्रो चल रहा है, अखिलेश जी चलवाए, काना स्टेडियम, कुछ नहीं। ये जोगी बाबा 15 हम मर जाएंगे 15 साल के बाद हो सकता है यावे। कौन? अखिलेश भैया, इसके पहले तो 15 साल कोई चांस ही नहीं है। हाँ, तो मतलब ये आपकी अकेले सोच है कि और भी? सबकी, जनता की सोच है भाई। ये गधा की खेती कर रहे हैं ये लोग। हाँ, मिलजुल करके। काहे इतनी नाराज हैं भैया? नहीं, नाराज नहीं है, इनके काम से लेके। नहीं नहीं, तो क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे भाई, इनका काम ही उल्टा है। वोट मुसलमानों से लेते थे, दरोगा यादों को बनाते थे। अच्छा। हाँ, तो मुसलमान नाराज है? अरे मुसलमान नाराज है, पंडित नाराज है, सब नाराज है इनसे। कौन खुश है? यादव खुश है, हर बिरादरी नाराज। इनसे कौन? खाली यादव खुश है? हाँ, यादव खुश है, बाकी हर बिरादरी नाराज है, क्योंकि पुलिस की भर्ती, ये भर्ती 15-50 इनके पार्टी में, यादव से लेके पंडित सब। अरे अरे हैं, लेकिन वही नाम के हैं। नाम छोटा, नाम बड़ा। मान लीजिए किसी से दोस्ती हो गई, इनसे दोस्ती है, पंडित है, तो दे देगा दोस्ती में, एक वोट दे देगा। लेकिन अब टोटल पंडित कहाँ जाएंगे? बादे बाबा को। हाँ, बाबा जी जाएंगे। क्या कह रहे हैं अंकल जी? कह रहे हैं कि ऐसा कभी हो सकता है भाई? अगर लखनऊ को देखा जाए तो चमकाने वाले में मायावती अखिलेश जी पहले नंबर पे काउंटिंग होते हैं। देखिए, ये जातियों का और धर्म का देश प्रदेश है, और यहाँ हर जाति हर धर्म अपना विकास चाहता है। प्रदेश का जो विकास होता है साथ साथ अपना विकास भी चाहता है। इनकी बात सही है कि जब समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रहती है तो उनकी जातियों का 100% विकास होता है, लेकिन वही 17% का जो रिजर्वेशन है ओबीसी का, वहाँ पीडीएस लेके नहीं चल रहे हैं, पिछला दलित समाज वो लेके चल रहे हैं, फार्मूला लेके चल रहे हैं, इस पे काम भी करेंगे बता रहे हैं। भाई, पिछली सरकार में आप पीडीए का नारा क्यों नहीं दिए थे? सिर्फ यादवों का नारा क्यों दिए थे सरकारी नौकरियों में या पुलिस भर्ती में? जनता तो जानती है ना, जनता तो समझदार हो गई है आज के दिन में डिजिटल मीडिया के जरिए। अगर गोदी मीडिया या न्यूज चैनल टीवी रहती, शायद जनता ना जान पाती कि सरकारी नौकरियों में सिर्फ जिसकी सत्ता रहती है, जिस बिरादरी की सत्ता रहती है, उस बिरादरी की। मानते हैं कि योगी सरकार सब चीज कर रही है? नहीं, योगी सरकार भी वही कर रही है जो मायावती जो अखिलेश यादव करके गए हैं, वही काम योगी भी जी कर रहे हैं। हर जिले के थानेदारों को देख लीजिए, योगी जी की कोई जाति नहीं होती योगियों की, लेकिन योगी जी की यहाँ जात है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, उनकी जाति का हर थाने में, हर चौकी में, हर ISPCS हर जिले में देखेंगे, वही ज्यादा नजर आएंगे, उन्हीं की बिरादरी। तो ऐसे में आप किस पे भरोसा करेंगे भाई? जनता है, जनता ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन होते नहीं, ऑप्शन बनाए जाते हैं। हो सकता है जनता कोई नया ऑप्शन बनाए, जनता ऑप्शन होता नहीं, ऑप्शन बनाया जाता है। जनता है, जनता जनार्दन। अच्छा, बताइए, आज से 20 साल पहले लखनऊ की स्थिति क्या थी? कौन सी सरकार आई तो लखनऊ जो है, लखनऊ की तस्वीरें बदले, लखनऊ खूबसूरत दिखाई देने लगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश का ये राजधानी है। कौन लखनऊ की तस्वीर कौन बदला, बताइए भैया लखनऊ जी, लखनऊ की तस्वीर कौन बदला? लखनऊ की शानदार तस्वीर बनाने के लिए तो बहन मायावती जी को नंबर एक में जाता है, दूसरी अखिलेश यादव को इन्होंने संवारा और सजा और बताया कि देश क्यों ये बाबा का नहीं जा रहा है, अपने योगी आदित्यनाथ बाबा इनका नहीं जा रहा है। अब मुझे तो नहीं दिखता भाई साहब कि कोई इन्होंने कोई लखनऊ में ऐसा काम किया हो। लखनऊ में एक भी काम योगी आदित्यनाथ की सरकार में बता दीजिए, अखिलेश यादव की सरकार में रिवर फ्रंट से लेकर अच्छे अच्छे काम हुए। पुराने लखनऊ को देख लीजिए कैसे, आज रात के अंधेरे में 2 बजे आप जाते हैं तो सेफ होते हैं, लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है, ये नहीं मानते हैं आप?
देखिए जनता 75 साल से रोजी रोटी और कपड़ा मकान ही तक सीमित रह गई है और किसी और दूसरी चीज पे जनता का मुद्दा है ही नहीं। सुरक्षा देना इस सरकार 2024 का मुद्दा क्या रहेगा भाई? किस पार्टी को आप देंगे, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? आपके हिसाब से तो आपको कोई अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो वही बात है, हो सकता है जनता कोई नया ऑप्शन खड़ा कर दे उत्तर प्रदेश में। और जहाँ तक बात है ऑप्शन की, ऑप्शन नीतीश कुमार आ रहे हैं बिहार से यहाँ, नीतीश क्या नीतीश कुमार को चुन लिया जाएगा? जनता है, जनता जनार्दन है, किसको चुन ले? जब योगी जी को चुन सकती है, जब कांग्रेस को चुन सकती है, जब समाजवादी पार्टी को चुन सकती है, जब बहुजन समाज पार्टी को चुन सकती है, हो सकता है नीतीश कुमार जी को भी उत्तर प्रदेश की जनता चुन ले। क्या कहेंगे भैया? पहली बात तो आपने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और कहा कि अंधेरे में चले जाएं, तो ये बात आपकी झूठी है, मैं इसको सिरे से खारिज कर रहा हूँ। देश में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, कानून नाम की चीज़ नहीं बची हुई है, रोजाना हत्याएं और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो ये आपके दावे बिल्कुल झूठे हैं। दूसरी बात आपको बता दूँ कि 2024 में देश के आम आवाम देश का पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहता है, योग प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और ढोंगियों के जुमलेबाजों को हटाना चाहता है। तो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, जो नतीजे आए हैं, इससे नहीं लगता है कि अब किसकी जीत होगी? बिल्कुल साफ लग रहा है, आधे लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल अब साफ है, तस्वीर साफ है। भाई लोग तो जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन विधानसभाओं के चुनाव अलग होते हैं और लोकसभाओं के चुनाव अलग होते हैं। दोनों के मुद्दे और केंद्र किसको बिंदु बनाना है ये करके देखते हैं। 2024 आने वाला भाजपा मुक्त होगा, ये मेरा वादा है। देखिए जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ की दो ही पार्टियाँ थी लड़ रही थी चुनाव, जो मुख्य रूप से लड़ रही थी कांग्रेस और बीजेपी, दो ही पार्टियाँ लड़ रही थी, तीसरा ऑप्शन जनता के पास नहीं था। और ये उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, जो सबसे बड़ा राज्य है देश का, वहाँ जनता के पास अनेक ऑप्शन है, 4-4-5-5 पॉलिटिकल पार्टियाँ मौजूद हैं। बीजेपी को यहाँ उनके अवकाश समझ में आ जाएगी, क्योंकि जनता के पास ऑप्शन है, वहाँ ऑप्शन नहीं था कांग्रेस और बीजेपी। मतलब पिक्चर अभी क्लियर नहीं है 2024 में कांटे की लड़ाई, अभी मानते हैं आप 2024 में कांटे की लड़ाई है? अगर कांग्रेस बनाम बीजेपी सिर्फ रहा चुनाव तो बीजेपी जीत जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड फ्रंट भी बनना चाहिए, क्योंकि जनता कांग्रेस से भी नाराज है, जनता बीजेपी से भी नाराज है, तीसरा ऑप्शन बनना चाहिए। मुझे लगता है ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, जो इंडिया गठबंधन है उसमें कांग्रेस को अलग करके एक नया गठबंधन तैयार करना चाहिए, नया ऑप्शन खोलना चाहिए, नया ऑप्शन। जनता को 3 ऑप्शन चाहिए, बराबरी की लड़ाई में जिस दिन जनता को 3 ऑप्शन मिलने लगा उस दिन ही देश की जनता का भला होगा। भाजपा और कांग्रेस जहां जहां रहेंगी वहां जनता का भला नहीं होगा, क्योंकि जनता का एंटी इनकंपेंसी है, 5 साल आप राज करेंगे, 5 साल हम राज करेंगे, इसी में जनता। कहने का तो मतलब ये लग रहा है एक थोड़ा ज्यादा लूटता है, एक थोड़ा कम लूटता है, यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, लूटने के में दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों बराबर है लूटने के मामले में। जनता तीसरा ऑप्शन ढूंढा जा रहा है, जनता तीसरा ऑप्शन चाहती है, जनता का भला उसी में होगा जितनी पॉलिटिकल पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी, जनता का उसमें भला होगा। हम जनता की बात करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करते। आप मतलब जनता की तरफ से बोल रहे हैं? जी, हमने सारे पॉलिटिकल पार्टियों को दोष गिना दिया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या की है, जनता को ऑप्शन चाहिए। चलिए थोड़ा सा हम इन लोगों से पूछ लेते हैं। आप लोग देखिए बहुत उम्र दराज है और काफी अनुभव है, देखिए दादा देश के उसमें उन्नति में आपकी भागीदारी होनी चाहिए और भागीदारी आप हमेशा से रहे हैं क्योंकि बहुत उम्र है। और इस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ कि 2024 का जो चुनाव होगा, 5 राज्यों के नतीजे आने पे क्या पिक्चर साफ है कि कौन आ रहा है 2024 में? चलिए तो हम बता ही देंगे आपको। पहले भाई साहब ने एक शब्द कहा कि तीसरा विकल्प भी चाहिए, है ना? तो जब वो कंबाइंड लोग मिले थे और दोस्त में 10 साल सरकार का राज किए, कांग्रेस भी थी, सपा भी थी, सारे लोग मिलके चला रहे थे, तो इतनी लूट हुई उसमें, इतनी खसोट हुई कि भाजपा स्वतः ही मैदान में आ गई, जीत गई। अब एक पार्टी शासन हो गया भाजपा का, 10 साल इसने भी गुजारा है, अभी एक चुनाव इनका और ये पाएंगे, एक चुनाव अभी और जीतेंगे, जीतेंगे निश्चित तौर पे, आज मैं कह रहा हूँ। और जब चुनाव खत्म हो जाएगा चाहे जैसे, मतलब कोई कारण भी हो, अब जैसे अब एक कह देते हैं फिर कहीं आपके जैसे कोई लोग मिल जाए कहें कि एक बार और जीतेंगे, बस बस एक एक मौका और देंगे, एक मौका और दिया जाएगा। हाँ, दिया जाएगा। अच्छा, एक मौका क्यों दिया जाएगा आप? अब ये बताएं, ये बताएं, बता दीजिए एक मौका क्यों इनको मिल रहा है? इस नाते मिल रहा है, यदि किसी कुछ मोर्चों पर ये आंतरिक मोर्चों पर थोड़ा बहुत फेल है तो और अन्य मोर्चों पर इनके जैसी कोई सरकार अभी आज तक कर ही नहीं पाई है।
चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो और भी सब कुछ रहा हो, चाहे मिलिट्री बेस पर रहा हो, चाहे मैं दुश्मनों से सुरक्षा की बात रही हो। और एक बात और है, इसमें आलू और टमाटर को लेकर के मर हम नहीं त्याग कर सकते हैं क्या? हमें भी त्याग करना चाहिए कि मोदी अपने घर से ला के देंगे, योगी अपने घर से ला के देंगे। आप भी त्याग करना सीखो, त्याग करो भाई। जनता नहीं त्याग करेगी तो फिर कौन त्याग करेगा? आप बताइए, जनता के साथ ही सरकार है। वो जो मोदी कहते हैं मैं जनता का सेवक हूँ, ये सही है। वो सेवक ही होता है, प्रधानमंत्री जो होता है वो सेवक होता है, केवल सेवक होता है। अब उसमें हमारी सेवा में हमें भी तो कुछ पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, नहीं कहेंगे अरे अमेरिका में एक आदमी जो है, एक मेस्टर जो है, कार से चलता है, कैसे चलता है, जाता है और कई डॉलर कमा लेता है जाके होटल में। महंगाई देखिए, महंगाई का स्तर देखिए। अब मतलब अगर $100 उसने कमाया और नाश्ता पानी करने के लिए पहुंच जाता है तो उसका $75 तो नाश्ता में ख़त्म होता, $25 बचता है। तब भी कितना विकसित देश है। और हम तो टमाटर आलू के चक्कर में इसी में रह गए। इस नाते हम आपका आपकी आपकी क्या सोच है भाई साहब 2024 की? क्या क्या तो इनके ठीक विपरीत है। जैसे अमेरिका की बात किए तो अमेरिका तो किसानों को इतनी ज़्यादा सब्सिडी देता है, इतना सुविधाएं देता है, उतना विश्व में कोई देश नहीं देता है। हिंदुस्तान जिस माने सबसे पीछे है। दूसरी बात, पहली बात तो जान लीजिए, यह है इलेक्शन एक तरह से मतलब सही इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। हेलो भाई साहब, हमारे देश में जो हो रहा है, ये जो मशीन से जो इलेक्शन हो रहा है, इस पर सारी जनता को शंका है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है पूरे हमारे देश का, वो एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। जीत पे आपको संदेह है क्या? सबको नहीं, बहुत इसमें 99% जीत पे संदेह है। किसकी जीत पर? जो भाजपा जीत रही है उस पे संदेह है? अरे संदेह नहीं भाई साहब, पूरी तरह से छल प्रपंच कपट है। कहा संदेह कहा की बात होती है? अब ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र के चीरहरण कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं लोगों की वोट का। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आने वाला 24 आने दीजिए, लोग भुकभुकाए हैं। हाँ, परिणाम बताएंगे आपको 2024 में जिस तरह से देखते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं। थोड़ा सा एक सवाल है, 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, पांचों राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, इससे क्या पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि अब कौन सी पार्टी आ रही है? भाजपा आ रही है, और कौन आएगा? भाजपा आ रही है। अच्छे काम कर रहे हैं, आएंगे। ये सही है? बिल्कुल सही है। चलिए इनका देखिए, आप क्या कहेंगे भाई? सर मेरा तो कहना है 2024 में या कांग्रेस इधर सपा आएगी। कांग्रेस सपा आएगी? जी हाँ। कहाँ? केंद्र में? केंद्र में, केंद्र सॉरी कांग्रेस आएगी। अच्छा अच्छा जी, केंद्र में कांग्रेस। जी हाँ, 2024 में। अच्छा अच्छा जी। जब सिलेंडर साहब जब 400 रुपए का था भाजपा सरकार में, तो लोग आके सिलेंडर पटकते थे रोडों पे। जब आज सिलेंडर 900 रुपए का है तो लोग डीजे ताली बजा रहे हैं आजकल, ये मेरा कहना है। तो देखिए, हमारे साथ बहुत सारे जनता थी और इनसे हमने पूछा कि 2024 का क्या जो आंकड़े रहेंगे, नतीजे रहेंगे जो अभी जो आए हैं उसको लेकर, और किस तरह की और बात जो ईवीएम की बात बताई गई, ईवीएम में अभी उनको शक है। जो जनता है कहीं ना कहीं ये मांग करी कि बॉलेट पेपर से होनी चाहिए। 2024 में बहुत से लोग ये कॉन्फिडेंस में हैं कि कांग्रेस आएगी, और बहुत से लोग ये हैं कि सब भाजपा सरकार फिर से जो है 2024 में रिपीट हो रही है। तो आने वाले समय में ये समय का चक्र है वो घूमेगा, और देखने वाली बात होगी कौन फिर 2024 में अपना सरकार बना रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ राजन सिंह, द राजनीति के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।